ओके तो भाई स्वागत सही का फैंसी पॉइंट गेम में। और अब दोस्तों की जाए तो एसीसी टी10 कवर करने जा दोस्तों। यहाँ पर जर्मनी वर्सेस आप पर हंगरी के बीच जो मैच हो रही है, तो इस वीडियो को आप ध्यान देखना। बात करें कौन से पे को आपको टीम ले कौन से पे को ड्रॉप करना है और कौन रहेगा दोस्तों आज की इस मैच का बेस्ट कैप्टन, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। अब देखो डिटेल्स की बात करें, कटेमा और दोस्तों स्पेन में मैच होगा। और इस पिच की बात करेंगे कंडीशंस का, देखो कंडीशंस की बात करें भाई, जिस तरह से पिच ने अभी तक बिहेव किया, आप अगर मैच देख रहे होंगे लाइव तो आपको पता चल रहा होगा। नहीं देख रहे भाई तो पिच के बारे में एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, बैटिंग को बड़ा सूट करता है विकेट। आप गेम्स उठा के चेकआउट कर सकते हो फैन कोर्ट पे। बाकी देखो भाई एक चीज आप समझो भाई, देखो परसेंटेज में अगर हम विकेट को देखेंगे समझेंगे तो यहां पर सबसे अच्छे तरीके से देखा जाए तो 60% यहां पर क्या है बैटर्स को सपोर्ट मिलता है और 40% दोस्तों यहां पर की जाए तो बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है। इसके हिसाब से टीम बनाना बहुत ही अच्छी बहुत ही सटीक टीम आप बना पाओगे। देखिए एवरेजिंग स्कोर की बात करें तो यहां पर जो एक्सपेक्टेड स्कोर रहेगा हमारा 130 के समथिंग रहेगा, लेकिन अक्सर एक चीज आपको देखना होगा कि देखो 130 ही नहीं बनता, यहां पर 180 190 ऐसे भी स्कोर बनते बट मोस्टली कुछ गेम्स में ऐसे बन जाते, तो इसलिए हमने एवरेजिंग स्कोर रखा है। और टॉस का कोई ऐसा कोई देखो टी10 में टॉस का कोई बड़ा महत्व नहीं होता दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। और विकेट्स के मामले में ये चीज समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 90% विकेट्स पेसर्स और 10% विकेट्स यहां पर स्पिनर्स के हाथ में लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको टीम बनानी होगी। बाकी रीसेंट मैच एट वेन्यू की बात करें तो भाई नीचे देख सकते हो मेंशन किया मैंने, स्कॉटलैंड आयरलैंड का मैच था। आगे बढ़ते अब देखिए जिन्होंने अभी तक दोस्तों टेलीग्राम जैसे ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा हमारा सिंपली आपको ही मिलेगा, तो जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डिटेल्स पे आते हैं। अब देखिए जर्मनी का दोस्तों मैच हो चुका है, ठीक है कल से दोस्तों, यहाँ पर रीसेंट फॉर्म भी इनका हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अभी थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर डिले चल रहा है। बाकी देखो भाई यहाँ पर होम्सेस की बात करें तो विजय शेखर खेले पिछला मैच कोई खास रोल नहीं रहा, जे खान आए थे भाई वन डाउन बहुत अच्छा बैटिंग इन्होंने किया, आर सिंह का भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, मंडली का भी दोस्तों कोई बड़ा रोल नहीं रहा। और एफ खान की बात करें तो पिछला मैच दो सफलता इनके हाथ लगा है और वर्धक का भी कुछ खास खेल नहीं रहा, ठीक है। देखिए प्लेयर अच्छे होने से ही काम नहीं चलता, उनको टीम चांसेस देती है, उनको परफॉर्मेंस करने का मौका देती है, तभी वो बड़ा मतलब गेम बना पाते। तो देखो भाई यहां पर फोकस किन किन प्लेयर करना आपको, इन सारे प्लेयर्स में से कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो पहला तो जे खान को पिक कर सकते हो, एफ खान को पिक कर सकते हो, ये दो प्लेस ऐसे रहेंगे जिनको आप पिक कर सकते हो। बाकी जो ऑप्शन है लाइक मतलब वशीकरण हो गया, इन सब पे थोड़ा सा फोकस करना, बट ज्यादातर दोस्तों यहां पर ये दो प्लेस रहेंगे जिनको आज की इस मैच में प्ले के चल सकते हो, आगे बढ़ेंगे। और देखो भाई यहाँ पर एस अफरीदी की बात करें, पिछला मैच ये ओपन किए प्लस इन्होंने एक ओवर की बॉलिंग की, देखो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बड़ा गेम ये दिखा सकते हैं इस मैच में, तो भाई कुछ ना कुछ जरूर ट्राई करके देख सकते हो। तो इवन कैप्टन या वाइस कैप्टन भी देख सकते हो अपने ग्रैंडिंग स्मॉलिंग में। जादरान की बात करें भाई तो जादरान ने पिछला मैच क्या ही मतलब गेम खेला भाई, 5 विकेट से बंदा ले गया, 2 ओवर में इसके 88 रन थे रिसेंट गेम में, बट पिछला मैच ये 5 विकेट ले गया दोस्तों। बाकी बासीर पिछला मैच खेला नहीं, एखान खेले बट बॉलिंग 2 ओवर की मिली बट सफलता नहीं, भट्टी खेला नहीं और मलगजाई ने भी 2 ओवर की बॉलिंग की बट सफलता इनके हाथ नहीं लगा। तो भाई देखो इतने सारे प्लेयर को आप देख रहे हो बट इनमें से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो देखो भाई यहां पर कही जाए तो एस अफरीदी है, जादरान है और बाकी दोस्तों मलगजाई है, बाकी ए खान को एज अ ट्रम्प कार्ड पिक और ये सब तो खेल रहे तो ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं हम। तो देखो जर्मनी का दोस्तों प्रॉपर डिटेल्स हुआ, अब हम बात करें दोस्तों यहां पर हंगरी का। देखो हंगरी का भी क्या दोस्तों, जस्ट अभी मैच यहां पर चल रहा है भाई तो चेकआउट जरूर करना भाई, जस्ट अभी मैच फैन कोर्ट पर इनका स्टार्ट है, चल रहा है, एक टीम बैटिंग कर चुकी है दूसरी टीम कर रही है, तो भाई आप जाके फैन कोर्ट पर चेकआउट कर सकते हो इनका स्कोर कार्ड। अब देखो डब्लू महमूद की बात करें, 52 मैच में 226 प्लस इनके 33 विकेट ग्रैंडली के लिए स्पेशल है। शफी की बात करें 65 मैच में 1036 22 का औसत है, ग्रैंडली के लिए बेटर रहेगा। बज्जी की बात करें 51 मैच में 822 प्लस इनके 24 का औसत है। रविंद्रन की बात करें तो 85 मैच में 2348 34 का औसत, 12 विकेट, बड़ा स्पेशल प्लेयर टीम में रखना विकेट कीपर में है। देखिए इस मैच में विकेट कीपर में ऐसा कोई मतलब स्पेशल टाइप प्लेयर तो नहीं है, तो मैं बोलूंगा विनोद रविंद्रन को रखना बहुत अच्छा कर सकता है। प्रसार की बात करें तो एज अ बैटर तो उतना ज्यादा नहीं जाता, लेकिन 77 मैच में इनके 64 विकेट है। अब इस बंदे का आप सिलेक्शन जाके देखो भाई, डी लोन में बहुत कम दिखेगा, बहुत स्पेशल प्लेयर है। मध्यान की बात करें पिछला मैच दोस्तों ये बॉलिंग कर रहा था, डेथ वॉस इसने की है, एक सफलता इनके हाथ लगा है। इंपॉर्टेंट वे में देखो ये बंदा रहेगा, फिर ये बंदा रहेगा, ये दो फिक्स टाइप प्लेयर है, बाकी ये ट्रम्प कार्ड और ये ट्रम्प कार्ड, और इनको ट्राई भी नहीं करोगे तो चलेगा दोस्तों, ये प्रॉपर डिटेल्स होगा आपके लिए। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए एम्सवर्थ की बात करें 17 मैच में 278 23 का औसत, 13 विकेट, बहुत अच्छा प्लेयर है एज अ कैप्टन चॉइस प्लेयर के लिए। डुप्ले की बात करें
तो पिछला मैच इन्होंने भी दो ओवर की बॉलिंग की, एक सफलता इनके हाथ लगा है, 15 मैच में 247 20 का औसत 11 विकेट, अच्छा प्लेयर है। यमलाज की बात करें 44 मैच में इनके 42 विकेट से, जैकोब की बात करें 36 मैच में 39 विकेट से, डेफोंटे की बात करें पिछला मैच इसने भी दो ओवर किया 27 मैच में इनके 70 विकेट से। तो ओवरऑल यहां पर कही जाए तो कुछ इस प्रकार से इनके प्रॉपर प्लेयर के स्टेट्स आपको हमने शो कर दिया है। अब हम टीम पे फोकस करेंगे, टीम की बात करें भाई आज का, तो यहां पर विकेट कीपर सेक्शन देखो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्डवर्क मोटिवेशन के बाद वीडियो बनता है भाई, तो एक लाइक जरूर बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट मैच आप मिस नहीं कर पाओ। देखो भाई यहां पर कही जाए तो आपको विनोद को पिक करना सबसे स्पेशल, मेरे को यही दिख रहा है बंदा तो इसको रखूंगा, बाकी भज्जी मंडी इन सबको ग्रैली की टीम है दोस्तों, यहां पर मैडी को ट्राई करना उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं लग रहे हैं। इधर दोस्तों जेखान को पिक करना, एम्सवत को पिक करना, टोटल दो प्लेस को रखूंगा जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, जो मेरे लिए काफी स्पेशल हो सकते हैं। बाकी विजय शेखर की बात करें तो पिछला मैच तो भाई इनको कुछ भी नहीं मिला, ना ही बैटिंग मिली ना ही बॉलिंग मिली, तो अब किस बेसिस पे इनको टीम में लिया जाए दोस्तों, यही समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उस हिसाब से इनको टीम में दोस्तों ने पिक नहीं किया, फिलहाल दो प्लेस को रखेंगे। बाकी एच सिंह रोहित हो गया कराली की टीम में यूज करना। अब देखिए ऑनडर सेक्शन में एफ खान को पिक करो, मध्यान को पिक करो, एम अहमद को पिक करो, डुप्ले को पिक करो, जादरान को पिक करो, अफरीदी को पिक करो। अब देखो भाई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो ये जो सात के सात ऑलराउंडर आपको दिख रहे भाई, सातों को लेना पड़ेगा। प्रसार भी कोई खराब प्लेयर नहीं है भाई, हमने पिछले जो सीजन देखे थे इसके भाई चार चार विकेट लेता था एक एक मैच में, तो भाई देख से तो बेटर हो सकता है। अब डिफरेंशियल में डुप्ले है, जादरान है और प्रसार है, इन सब पे फोकस कर सकते हो, मे भी थोड़ा सा बेटर आपके लिए हो सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो भाई देखो यहां पर आपको इब्रार अहमद और भाई मैक फोंडेस, मैं बोलूंगा भाई यहां पर इस बंदे को लेके चलो। रीजन है कि भाई देखो ये बंदा शुरुआत में लेके आएगा बॉलिंग और ये डेथ में लेके आएगा, तो उस हिसाब से मैंने इसको टीम में रखा। बाकी मलकजई हो गया, हसन यलमाज हो गया, इन सब पे फोकस करना। देखो मैं यही बोलूंगा यहाँ पर देखो जो टीटन लीग है उसमें भाई क्या है, कोई प्लेयर खराब नहीं होता, बस उसको टीम चांस दे देती है तो बड़ा कर जाता है, वही चीज़ रहता है। कॉम्बिनेशन सीधा 6-5 का है, मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वन साइड गेम जाएगा, दो टीम्स लड़ेगी एक दूसरे में। कैप्टन एम्सवत है, वॉइस की बात करें तो अफरीदी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम सिंपली जो है टीम पर रुकी। अब देखो जनता के हिसाब से चलोगे तो जनता एफ खान को सबसे ज़्यादा कैप्टन देगी, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता। अब देखिए ग्रैंडली की टीम आप बनाते हो तो भाई इस बंदे को ट्राई करो, इस बंदे को ट्राई करो, इस बंदे को ट्राई करो, फिर इनको भाई कितना प्लेयर मैंने दे दिया, टोटल 5 प्लेयर दिए जिनको आज की इस मैच में कुछ ना कुछ बना सकते हो। बाकी मैं सीधा आपको मिलूंगा टेलीग्राम चैनल पे फाइनल टीम के साथ में।